कैसे आप सब? मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। तो आज क्या बना रही हूँ? आज बनाते हैं मटन अचारी। बहुत ही बढ़िया, मजेदार सी, एकदम बढ़िया सी, चटपटी सी भी है थोड़ी। अगर आप डिफरेंट टाइप की थोड़ी ग्रेवी मटन के साथ खाना चाहते हो, ये बेस्ट रेसिपी है। और स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं अचार के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्लेट के अंदर 2 छोटे चाय के चम्मच साबुत जीरा, 2 छोटे चाय के चम्मच सौंफ, 1.5 छोटा चाय का चम्मच राई, जिसे हम सरसों भी कहते हैं, 1 छोटा चाय का चम्मच मेथी के दाने, 2 लीजिए या फिर 2.25 टीस्पून भी ले सकते हैं, मैं 2.25 टीस्पून ले रही हूँ साबुत धनिया, आप 2 भी डाल सकते हैं 2 छोटे चाय के चम्मच, 1 छोटा चाय का चम्मच कलौंजी। और ये सारी चीजों को अब आप चाहे तो मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस ले बिना पानी डालकर, मैं उखल के अंदर डालकर इसे कूट लेती हूँ। दोनों ही सूरते में, चाहे आप मिक्सर जार में डालें या फिर आप उखल में कूटें, दरदरा होना चाहिए इसका पाउडर, एकदम पाउडर मत कर दीजिएगा, दरदरा रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना दरदरा है ना। अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए और इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार और 1/2 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में मैं यहाँ डाल देती हूँ 3 छोटे चाय के चम्मच नींबू का रस, वो भी डालकर मिक्स कर लीजिए। और अब ना मैं ये जो मोटे मिर्चे आते हैं ना, ज़्यादा तीखे नहीं होते, फीके वाले होते हैं, तो मैंने क्या किया उनको स्लिट मार लिया और अंदर से जो भी बिज्जे थे ना उसके, वो मैंने सारे निकाल कर फेंक दिए। ये देखिए, और अब ये जो बिज्जे निकल गए हैं, अब इसके अंदर आप ये जो चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इस मिर्ची के अंदर 1 छोटा चाय का चम्मच या 1/2 छोटा चाय का चम्मच मिर्ची के अंदर ये मसाले डालें और इसे साइड पर रखते जाएं। ये देखिए इस तरीके से, तकरीबन मैं 1/2 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ और ये तकरीबन 6 है, आप कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। ये सारे आप मसाले डाल दें तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैं कढ़ाई के अंदर बना रही हूँ तो मैं कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा इसका तेल डाल देती हूँ राय का, आप चाहें तो नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं। अब जब फास्ट आंच पर गरम हो जाए तो ये जो मिर्चें हैं ये सारे डाल दीजिए और इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए उलट पलट करते हुए फ्राई कर लीजिए। जब स्पॉट्स आ जाए डार्क हल्के हल्के तो आप इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो कुकर के बजाय पतीली में भी बना सकते हैं। अब यही सेम तेल के अंदर मैं 3 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई डाल रही हूँ और इसे फास्ट आँच पर फ्राई कर लीजिए। हल्का तेल कम लगे तो तेल डाल दीजिए और तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब लाइट गोल्डन ब्राउन कुछ देर के बाद हो जाए, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और उसे सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पर 1/2 किलो मटन डाल देती हूँ, गोश्त धोया हुआ है, चर्बी निकाली हुई है, और इसके साथ साथ टमाटर भी डाल देती हूँ। 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, छील निकाल कर मैंने बारीक काट कर डाला है, आप चाहे तो ग्रेट करके या पीस कर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मिक्स कर लीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कम या ज़्यादा मिर्च का मिजान आप कर सकते हैं मिर्च पाउडर का। बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो आपकी तो कम डालिएगा, मेरी नॉन स्पाइसी है तो मैं 2 डाल रही हूँ। मिक्स कर लीजिए और इसे फास्ट आंच पर भूनिए, तकरीबन 2-3 मिनट तक भूनिए, सो दैट थोड़ा सा मसाला भी भूना जाए। जब 2-3 मिनट हो जाते हैं और थोड़ा सा तेल आपको लगे कि छूट रहा है साइड से, तो यहाँ पर मैं 150 ग्राम फेटी हुई दही डाल देती हूँ। इसे मिक्स कर लीजिए, चूल्हा आप चाहें तो मीडियम पे रख सकते हैं अब इस समय, और इसे मिक्स करते जाइए और इसे पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। अच्छा, यहाँ पर ना मैं मुझे थोड़ा सा मिर्च का पाउडर कम लग रहा है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है, मेरा नॉन स्पाइसी है तो मैं डाल रही हूँ, आप ये स्किप कर सकते हैं, एक बार मैंने चला लिया। अच्छा, जब तक तेल दही भुना रही है तो जो मसाला हमने साइड पर रखा है बचा हुआ, ये इसमें ये मैं सारा डाल देती हूँ। बस 1 छोटा चाय का चम्मच जितना मैंने साइड पर रख दिया है ऊपर से डालने के लिए, ये भी डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। तो मैंने क्या किया, 1-2 मिनट तक फास्ट आंच पर इस तरीके से भूना, ये सारी चीज़ें डाल दी तो मैंने ढक्कन ढक दिया और बिना गैसकेट के, बिना रबड़ के ढक कर इसे स्लो आँच पर रहने दिया।
तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। तो स्लो आंच पर जरा अच्छा भुनाएगा ना। तो चलिए देखिए तेल ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं दही अच्छी भून चुकी है। तो अब मैं यहाँ 1 कप पानी डाल रही हूँ। नमक अपने स्वाद अनुसार आप एडजस्ट कर लीजिए, एक बार चला लीजिए और इसका कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और तकरीबन फास्ट आंच पर, तकरीबन समझे ना, 1-2 सीटी खिला लीजिए। देखिए मैंने ये रबड़ लगा लिया, रबड़ लगाने के बाद ही उसे ढकिएगा। फास्ट आंच पर 1-2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 10-15 मिनट तक स्लो आंच पर रहने दीजिए। जब हो जाए 15-10-15 मिनट तो बंद कर दीजिएगा चूल्हे को। प्रेशर रिलीज हो जाए तो चेक कर लीजिए। वैसे मैंने चेक किया था तो मटर नहीं हुआ था और पानी कम था, तो मैंने फिर से 1 कप पानी डालकर इसे फिर से 3-4 फास्ट आंच पर सीटी खिला ली। अब जब ठंडा हो गया तो इस समय मैं आपके सामने ही खोल कर देख रही हूँ। ये देखिए परफेक्टली, अब देखने से ही लग रहा है कि गल चुकी है हमारी मटन। तो मैंने इस हिसाब से आप देख सकते हैं 2 कप पानी डाला। हाँ अब ये तो आपके मटन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब आप एकदम सेम एग्जैक्टली मेरे जैसा प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप तकरीबन 1.5 कप पानी डालिएगा और फिर बाद में बीच में खोलकर चेक कर लीजिएगा। कम लगेगा तो फिर आप आधा कप और डालकर फिर कुकर ढककर इसे सीटी खिला लीजिएगा। अच्छा ये जो मसाला है जो सारा बचा हुआ हमने साइड पर रख दिया था उसे मैंने सारा डाल दिया। चूल्हा मैंने फास्ट आंच पर चालू कर दिया और ये जो हमने मिर्चे रखे हैं ना अब इन्हें डाल देंगे हम। पहले तो एक बार चला लीजिए। अब ये देखिए मटन हो चुका है ना, जब थोड़ा सा अच्छा एक उबाल आने लगे सालन के अंदर तो चूल्हा मैं कर देती हूँ स्लो आंच। और यहाँ पर ये जो सारे ये हैं मिर्चे ये सारे डाल दीजिए और ढक कर स्लो आंच पर 2-3 मिनट पर रहने दीजिए दम पर। सो दैट मिर्च का भी अपना एक कस निकलेगा तो और ज़्यादा डिलिशियस लगेगा और अचारी फ्लेवर आएगा ना, मज़ा आएगा। और तो अब मैं इसे वापस इसकी रबर निकाल कर इसे ढक कर 2-3 मिनट के लिए रहने देती हूँ। चलिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, बढ़िया सा मज़ेदार सा हमारा सालन पक चुका है। मटन अचारी, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और चूल्हा बंद करके इसे प्याले में बढ़िया से मज़ेदार से प्याले में निकालें। गर्मा गर्म रोटी पराठा फुलका बटर नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे पराठे और बटर नान की रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। बस इसमें एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि मिर्च का जो मिज़ान है वो कम ही रखिएगा, क्योंकि ये वाली जो मोटी मिर्चें हैं उसका भी भले ही चाहे कितनी भी फीकी हो इनका भी जो एक स्पाइसीनेस होता है, जो तिखास होती है वो निकलती है ग्रेवी में, तो बस वही ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया बनती है ये वाली रेसिपी। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। बनाए अगर आप ये रेसिपी तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है ये रेसिपी आज वाली, लाइक का बटन हिट कर दीजिए और अगर उससे ज्यादा अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं दम का गोश्त। बहुत ही इजी, झटपट, घर के हाजिर मसालों से क्विकली बन जाएगा। चलिए बनाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट की आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज। चलिए सबसे पहले एक मसाला पीस लेते हैं। तो ये है 7 से 8 बादाम, 4-5 लौंग, 4 हरी इलायची, आप 4 से 5 ले सकते हैं, 15 काजू लिए क्योंकि मेरे छोटे थे, आपके बड़े हो तो आप 10 ले सकते हैं, 1 डांडी दालचीनी की छोटी थी, और ये 4-6 काली मिर्च 6 लिए हैं मैंने, और ये 1 टेबल स्पून भरकर ये लिया है नारियल का बुरादा। अब ये सारी चीज़ों को एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें, या फिर मेरी तरह मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ और उसे बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर होए तक इसे पीस लीजिए ऐसे, ये देख लीजिए, और इसे अभी साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज की प्याज का बिरिस्ता बनाकर साइड पर रखा है, अभी फ्रेशली बनाया है, और ये है 1/2 किलो मटन गोश्त। इसे धो के नितार कर मैंने ये एक पतीली में डाल दिया है। अब इसमें डाल दीजिए सबसे पहले तो नमक स्वाद अनुसार, मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, 2 छोटी चाय की चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए,
एक या डेढ़ छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, मैं सवा डाल रही हूँ, और एक या डेढ़ छोटे चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए, मैं स्पाइसी वाला एक डाल रही हूँ, एक छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, एक छोटे चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप दही, और ये जो 2 बड़ी साइज का प्याज का मैंने बिरिस्ता बनाकर रखा था, मैं हाथों की मदद से इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, क्रश करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। हाँ, ये भी सारा डाल दीजिए। अच्छा, बिरिस्ता मैंने जिसमें बनाया था ना, मैं वही तेल डाल रही हूँ आधा कप, और 2-3 टेबल स्पून असली घी के डाल दीजिए। अच्छा, पूरी तरीके से आप असली घी में बनाना चाहते हैं तब भी आप बना सकते हैं ये वाली रेसिपी को, और एक छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, एक छोटा चाय का चम्मच से भी कम डाल सकते हैं आप, लेकिन मैंने एक डाला, और ये जो हमने मसाला सबसे स्टार्ट में पीस के रखा वो भी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसे ढक कर फ्रिज में तकरीबन 2 या 4 घंटे के लिए रहने दीजिए। मैं इसे नेक्स्ट डे बनाऊंगी, तो आप ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मसाला इसमें आएगा, मटन में चढ़ेगा तो और ज्यादा अच्छा मजा आएगा, आपको टेस्ट और ज्यादा बेहतर आएगा। तो मैं इसे ढक कर फ्रिज में रात भर रहने देती हूँ, अब नेक्स्ट डे करूंगी इसका। चलिए, नेक्स्ट डे हो चुकी है, आपने 2-3 घंटे भी रखे हो तो कोई बात नहीं, चूल्हे के ऊपर रख दीजिए और फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब फास्ट आंच पर रख दे तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फास्ट आंच पर इसे पकने दीजिए, बार बार चलाते रहिए। जब 6-7 मिनट हो जाती है तो आप देखेंगे कि हल्का, ये देखिए 6-7 मिनट हो गई, हल्का पकने टाइप हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका था, तो यहाँ पर मैं 1 से 1.25 कप पानी डाल रही हूँ। आप एक डालें, 1 कप डालें, मैंने 1.25 कप डाला है, और इसे एक बार चला लें और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाए तब गरम तवा यहाँ सबसे पहले तो नीचे रखिए, और चूल्हा मैंने फास्ट किया है अभी फिलहाल, और ये जो पतीली है उसके ऊपर रख दीजिए, फॉइल पेपर से ढक दीजिए, और 1-2 मिनट तक जब अच्छा गर्म हो जाए ना तवा, तवा तो वैसे भी गर्म ही था, और ज्यादा गर्म हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच, ये ढक्कन ढक दीजिए फॉइल पेपर के ऊपर, कुछ वजन रख दीजिए, और तकरीबन तब तक पकने दीजिए स्लो आंच पर जब तक हमारी जो मटन है नहीं गल जाता, तब तक तकरीबन मैं 1 से 1.25 घंटा रख रही हूँ। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं अगर आपको जल्दी बनाना है तो, लेकिन फिर मजा ही क्या आएगा, क्योंकि इसका नाम ही है दम का गोश्त, यानी दम पर ही पकेगा तो ही और बेटर टेस्ट आएगा ना। और आपको ये लग रहा है कि 1.25 घंटा बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए, जब आप मैरिनेट करने मटन को रखे थे अगले दिन या 3-4 घंटे पहले, तब आप एक छोटा चाय का चम्मच ये जो पपैया आता है ना, कच्चा पपैया, या फिर कोई टेंडराइजर, मीट टेंडराइजर, एक छोटा चाय का चम्मच डालकर मिक्स कर लीजिएगा, या कच्चा पपैया डालकर मिक्स कर मैरिनेट कीजिएगा, तो इस समय सिर्फ आपको आधा घंटा लगेगा पकाने के लिए। चलिए, 1.25 घंटा हो चुका है, मैंने एक भी बार बीच में नहीं खोला था, क्योंकि ये दम का गोश्त और दम पर स्लो आंच पर पकेगा तो उसका कस निकलेगा, मटन का मसाला एक दूसरे में मिक्स होगा, और ये चलिए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये दम का गोश्त। अच्छा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि मटन हो गया है कि नहीं, ये देखिए मेरा प्रॉपरली मटन गल चुका है जैसे आप देख सकते हैं। अब चूल्हा कर दीजिए बंद, और मैंने क्या किया था, तवा नीचे रहने दिया था और ढक दिया था नॉर्मल ढक्कन से, और 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के फिर सर्व किया था, तो बाय द टाइम वो नीचे तवा था ना, तो और थोड़ा पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो गई थी मेरी ये जो ग्रेवी है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गाढ़ी नहीं और पतली है, तो आप फास्ट आंच पर इसे पानी सुखा लीजिए। अगर आपको ग्रेवी कम लग रही है तो आप क्या कीजिए, 1/4 या 1/2 कप पानी गरम करके इसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिएगा और स्लो आंच पर पकने दीजिए 4-5 मिनट, जब तक तेल ऊपर नहीं छूट जाता। मुझे परफेक्ट लग रही, तो मैं कोथमीर और हरी मिर्चियां स्लिट करी हुई डाल रही हूँ, और चूल्हा कर देती हूँ बंद। अच्छा, आपको कलर थोड़ा और ज्यादा रेड वाइब्रेंट चाहिए तो आप क्या कीजिए, कश्मीरी लाल मिर्च है ना, आप ज्यादा डाल दीजिएगा, 1.5 छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिएगा तो कलर आएगा इसमें, मुझे परफेक्ट लग रहा है, और टेस्ट में इतना मजेदार है, एकदम मजा आ गया खा के, आपको भी मजा आएगा। अच्छा, इसे रोटी पराठा फुलका बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए, वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपके लिए।
तो है ना मजेदार रेसिपी आज की और इजी भी थी जैसे आपने देखा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, और रेसिपी ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके ये वाली वीडियो की लिंक्स फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा इसके फीडबैक्स, मुझे आपके फीडबैक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।